Apollo flew back to the happy prince and told him what he had done. "It is curious," he remarked, "but I feel quite warm now, although it is so cold." "That is because you have done a good action," said the prince, and the little swallow began to think, and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. "Tonight, I go to Egypt," said the swallow, and he was in high. फिर यहाँ पर वो जब वहाँ से लौटा तो उसने फिर आकर हैप्पी प्रिंस को कहा जो कुछ भी उसने किया, और फिर उसने कहा, "पता नहीं, आज इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही है, ऐसी ठंड में भी मुझे अच्छा लग रहा है." तब उसे हैप्पी प्रिंस ने कहा, "वो इसलिए क्योंकि तुमने आज एक अच्छा काम किया है और इसी की वजह से तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हें ठंड में भी गर्म लग रहा है." उसके बाद वो ये बात सोचते सोचते सो गया, क्योंकि सोचने से उससे जल्दी नींद आ जाती थी। फिर अगली सुबह वो उठा, वो नदी में गया और नहाने गया, नहा के लौटा और उसने कहा, "आज रात मुझे इजिप्ट जाना है," और वो पूरी तरह तैयार था। In high spirits as the prospect, he visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to Happy Prince. "Have you any commissions for Egypt?" he cried. "I am just starting." फिर उस वो तो अपनी मतलब पूरी उत्सुकता में था क्योंकि वो अब जा रहा था, और फिर वो कुछ देर यहाँ चर्च के मॉन्यूमेंट्स को जाकर देखने लगा। फिर रात होने को आई, तब वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने कहा, "क्या तुम्हें इजिप्ट के लिए कोई बात कहनी है? ठीक है, अब मैं बस जा ही रहा हूँ." तब "स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो," सेड द प्रिंस, "विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर?" फिर उसने प्रिंस ने कहा, "स्वालो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो?" फिर "आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट," आंसर्ड द स्वालो, "मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है." "Swallow, swallow, little swallow," said the prince. "Far across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to ride anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint." वहाँ पर इस शहर के दूसरी ओर एक गैरेट है, जहाँ पर गैरेट का मतलब होता है इट्स काइंड ऑफ सेलर, जो ऊपर छत के गैप्स में बनाया गया एक कमरा होता है। वहाँ पर एक नौजवान व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, जिनमें कई सारे सपने हैं, जिसके होंठ पूरी तरह लाल पड़ चुके हैं और जिसके एकदम ब्राउन कलर के बाल हैं। वो लड़का वहाँ पर एक थिएटर के लिए प्ले लिख रहा है, लेकिन वहाँ ठंड बहुत है और वहाँ आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, इस वजह से भूख के मारे वो वहाँ बेहोश पड़ा है। "आई विल वेट यू वन नाइट लॉन्गर," सेड द स्वालो, हु रियली हैड अ गुड हार्ट। ही आस्क्ड इफ He should take another ruby to the young playwright. फिर उसने कहा, सोलो ने, "ठीक है, मैं एक रात और रुकूंगा," और उसका दिल भी काफ़ी अच्छा था। तब प्रिंस ने उससे कहा कि जाकर एक तुम रूबी जाकर उस यंग राइटर को दे आओ। "अलास, आई हैव नो रूबी नाउ," उसने कहा, "पर मेरे पास तो अब रूबी ही नहीं है," सेड द प्रिंस। प्रिंस ने जवाब दिया, "My eyes are all that I have left." मेरी आँखें ही हैं अब जो मेरे पास बची हैं। "They are made of rare sapphires." उन्हें बहुत ही ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा महंगे सैफायर से बनाया गया है।